एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे एक FRI लिखवानी है। ओह, हमें लगा तुम्हें गजल लिखवानी है। देखे, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ खुजला के। या हम भी FIR लिखने के मूड में नहीं हैं। जो कोई तरीका बात करने का, मैं कंप्लेंट कर दूंगा आप लोगों की, कंप्लेंट करूंगा मैं। कौन है यहाँ का इंचार्ज, कौन है खुजला के? तुझे क्या, मैं इस चौकी का चौकीदार दिखता हूँ? मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज, मुलायम सिंह गुलगुले। बोल, देखो जो कुछ कहना है मुझे बोलो, मुझे। मैं यहाँ का हवलदार जरूर हूँ, लेकिन यहाँ की वो जो इंचार्ज है ना, चंद्रमुखी चौटाला, अरे वो मेरी शागिर्द है यार, स्टूडेंट है मेरी, सीखती है मुझसे। मैं टीचर, वो स्टूडेंट। बोले मैडम। अरे मैडम होगी तेरे लिए यार, मेरे लिए तो बच्ची है वो। कितना डरती है मुझसे, अरे कांपती है, मेरा नाम ले लो उसके सामने तो ऐसे थर थर कांपती है वो। गुलगुले तेरे तोते जाएंगे उड़, अरे जरा पीछे तो मुड़। ओके बाय। पीछे मुड़ तो ऐसे कह के गई है जैसे मेरे पीछे मैं। प्रेजेंट सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन है तू? जी वर्मा। अबे राम गोपाल वर्मा भी होता तो के आग लगा देता, यहाँ फूक मार देता, तू कंपनी खुलवा देता अपनी। नाम बोल। जी नाम बता रहा हूँ, वर्मा। अबे यो नाम है तो सरनेम के? जी सर, पूरा नाम वर्मा अवस्थी है जी, खुजला के। भाई दो दो सरनेम वाले आदमी, मामला क्या हो गया? मैडम बात यह है कि मैं उफ्यू माँ मोहल्ले में रहता हूँ, चुंबन नाम के अपार्टमेंट में। ओह, चुंबन नाम के अपार्टमेंट में सिर्फ रहते हैं या किसी को चुंबन भी आपने दे? आप भी ना एक नंबर की भोली है मैडम, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तफ्तीस करने की जरूरत ना है, वरना 32 के 32 निकाल के सजा दूंगी यहाँ मैं 100 पीस जैसे टेबल पे। अबे तू बोल। तो मैडम हुआ यूं कि मैं आपको बता रहा था, उफ्यू माँ मोहल्ले में रहता हूँ, चुम्बन नाम के अपार्टमेंट में। सुबह मैं काम के लिए निकला, घर से जा रहा था, जैसे ही तो मैंने क्या देखा कि ऊपर से किसी ने, सेकंड थर्ड फ्लोर से किसी ने चाय फेंकी गर्मा गर्म, मेरी गुद्दी पे गिरी मैडम, खुजला के गुद्दी जल गई मेरी। मैंने गुस्से में पूछा कौन है वे? तो एक आदमी ऊपर आया बालकनी में, बोला मैं हूँ नंदन नखरीला, मैंने फेंकी है चाय, जो खाना खा लिया हाथ। मैडम गुस्सा आया मेरे को, मैं यहाँ पर आ गया कंप्लेंट लिखवाने खुजला के। कौन हो रहा है यू अनसिविलाइज्ड आदमी, ना तीसरे माले से जो है गर्मा गर्म सामग्री डाल रहा है, लोगों पे जलाए दे रहा है, उन्हें बुलवाओ ससुरे ने। नंदन नखरीले, अबे हट। अबे हट बोल रहा है तू यहाँ चौकी में आके? अरे मैडम ये तो मेरा तकिया कलाम है। इसने पहचान रहा है? अरे ये तो हमारे दूसरे माले पे रहते हैं, वर्मा अवस्थी। इनकी एक बीवी भी है, काफी खूबसूरत, काफी मिलनसार है। क्यों बे, चाय उड़ेल दी तेने इसके सर पे जो है गरम गरम। अरे मैडम वो चाय थी, चाय की बेइज्जती थी। अरे मैं आपको बताता हूँ कि चाय कैसे बनती है। देखिए, 1/4 दूध और 3/4 पानी आपस में मिलाइए और बड़े प्यार से जो है धीमी धीमी आंच पे जो है उसको पकने दीजिए। और मैडम क्या है कि चाय की पत्ती का एक एक दाना बहुत प्यार से चुन चुन के जो है उसमें डालते जाइए और उसको उबलने दीजिए और उसका धुआं निकलने दीजिए। आह मैडम क्या चाय बन रही है। और मैडम शक्कर को उसमें डाल के 7.5 मिनट तक जो है घोलते रहिए। और अदरक, आहा मैडम अदरक जो है एकदम कायदे से कूटिए, एकदम ऐसे करके। और मैडम उसका एक एक धागा जो है अलग अलग हो जाए, 20 बार कूट के उसको उस चाय में 5 बार मिलाइए। मैडम इसको कहते हैं चाय। और हमारी बीवी है क्या बकवास चाय बनाती है। मैडम हमारी बीवी जो है हमारे पास चाय लेके आई, हमने उसकी सिप ली और सिप लेते ही हमने उससे कहा ये चाय है, अबे हाय। मैडम वो चाय हमने खिड़की से फेंक दी, हमें क्या पता था कि खिड़की के नीचे ये खड़े हैं। अरे तो चाय फेंकने से पहले देखना चाहिए था ना। अरे देखा था, चाय फेंकने से पहले हमने देखा था। अरे भाई देखा क्या, हमने तो चाय को चखा भी था कि चाय थी, अबे हाय। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। इसका कहने का मतलब ये है चाय फेंकने से पहले तुम्हें देखना चाहिए ना, नीचे कोई है तो नहीं। हाँ ये हमारी गलती है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है जो फर्स्ट टाइम जो है बाय मिस्टेक गलती हो रही है, इसलिए जाने दे रही हूँ। आगे से ऐसा कुछ ना होना चाहिए, सिविलाइजेशन में रह रहे हो। ओके चलो निकलो। सुनो कैसा आदमी है।
मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी देखिए मैडम, अबे क्या हो गया, कहाँ से लूटा पीटा आ रहा है तू? मम्मी जी मुझे लगता है इसने जरूर अपनी पड़ोसनों को छेड़ा होगा और पूरी बिल्डिंग ने मिलके इसको ऐसे पीटा होगा। नहीं नहीं नहीं। ओ गोभी इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कह सकता है यार तू? पर्सनल एक्सपीरियंस यार, मैं भी ना 21 बार अपनी पड़ोसनों को ऐसे छेड़ चुका हूँ और ऐसे 21 बार पीट चुका हूँ, सेम टू सेम। ओ पड़ोसनों के प्रेम चोपड़ा, चुप कर। सॉरी सॉरी मम्मी जी। क्या हो गया मैडम? बात यह है मैडम, मैं जहाँ रहता हूँ ना, जिस मोहल्ले में मैडम, वो चुम्बन अपार्टमेंट में मैडम, वहाँ पर एक गुप्ता जी नाम के आदमी रहते मैडम, वो डेथ कर गए खुजला के। तो कल उनकी वो शोक सभा चल रही थी, मैंने कहा मैं भी शामिल हो जाऊँ मैडम, तो मैं शामिल होने चला गया मैडम। मैं जैसे ही जाकर बैठा, ऊपर से मैडम इस आदमी ने गर्मा गर्म कोफ्ते फेंक दिए मैडम, कोफ्ते खुजला के, सारे कोफ्ते यहाँ घुस गए मैडम, यहाँ घुस गए खुजला के यहाँ। ओ यार, गाय के कोफ्ते थे, मटन के या लौकी के? अरे मैंने खा के नहीं देखा खुजला के। तो मैडम जैसे कोफ्ते अंदर घुसे, में थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया मैडम, देखिए ऐसा, देखिए देखिए ऐसा हो गया। तो मैडम गुप्ता के जो रिश्तेदार थे ना, उनको लगा कि मैं शोक सभा में आया हूँ और मैं डांस कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ खुजला के, पर सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना पीटा, मैंने कपड़े छपड़े सब फाड़ दिया मैडम खुजला के। क्यों भाई कोफ्ते घेर दिए तैने इस पे, किस खुशी में? देखिए मैडम, आज हम आपको कोफ्ता बनाने की विधि बताते हैं। देखिए कोफ्ता वो होता है जो 3 मिनट तक आंच पर जो है सेका जाए, धीमी धीमी आंच पर, और उसमें सिर्फ एक छटाक जो है गरम मसाला धीरे से डाला जाए और एक छटाक जो है खड़ा मसाला डाल दिया जाए और 12 मिनट तक उसे एकदम आंच पर पूरी तरीके से पकाया जाए और हल्का हल्का उसको पकने दीजिए और उसका रसा तैयार कीजिए और उसके बाद 12 मिनट तक जो है उसको आंच पर लगा के हल्की हल्की धीरे धीरे मतलब सिंपर करके गैस जो है उसको सिक रहा है, पक रहा है और हल्का सा उसे सूंघिए, आहा क्या खुशबू आएगी। लेकिन मैडम हमारी बीवी ने ऐसा कोफ्ता बनाया कि हमें कोफ्त हो गई और जैसे ही वो हमारे सामने लेके आई और हमने उसे चखा तो हमने उससे कहा ये कोफ्ता है, अबे हाय। और मैडम हमें क्या पता था कि वो कोफ्ता इनके ऊपर गिर जाएगा। अरे हाँ यार, ऊपर से याद आया, मैं 2-2.5 घंटे ऊपर छत पे था यार, भाभी ऊपर नहीं आई। संजीव कपूर से शादी हो रही है हमारी, जो मन ने सिखा रहा है, कुकिंग लेसन दे रहा है यहाँ। अबे वार्निंग देने के बावजूद अबे क्यों किया है वो कांड तैने? लेकिन मैडम मेरी इसमें गलती नहीं है। अबे हट ना, महेंद्र सिंह धोनी की हो रही है बेचारे की सारी गलती। अब मैडम मेरी बीवी इतना घटिया खाना बनाती है, मैं क्या बताऊं मैडम, ये सारा कसूर मेरी बीवी का है। अब देखिए ना, मेरी बीवी इतना घटिया खाना बनाती ना, मैं उसे चक्के कहता कि अबे हट। अब मैडम अगर सजा देनी है तो मेरी बीवी को दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप सदा इसको दीजिए, इसकी बीवी को दीजिए, लेकिन ये जो रोज रोज मेरे पे अत्याचार हो रहा है, इसको बंद कराइए खुद लाके। हाँ भैया ऐसा है, इसकी बीवी को जरा बुलवाओ थाने में ना, थारी बीवी यहाँ थाने में आएगी, खाना पकाएगी, उस खाने को हम चखेंगे और खुद जो है हम डिसाइड करेंगे कि इतना भी क्या भाइयात पकाए दे रही है, जिसे खाते ही जो है अब हाथ करके जो है लोग खिड़की से नीचे गिरा दे रहे हैं खाना। खुशबू तो बढ़िया से। हाँ तो भाई, लेट्स स्टार्ट विद बिरयानी। भाई बिरयानी इज नॉट बैड। हाँ मेरी सब्जी भी बहुत अच्छी है। पनीर फट्टा चक्के पे हैं। क्या बात है। आहो भाई, दाल इज वेरी गुड यार, बुलंदशहर की यार अभी दाल खाके। दाल तो माइंड ब्लोइंग है मैडम, पर ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मेरा मन कर रहा है कि भाभी को चूम लूं। मेरा मतलब है भाभी के हाथों को चूम लूं। अबे हट, ये भी कोई खाना है ना? तेल का अनुपात ना मिर्च मसाले का। अबे हट। अरे नहीं 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 भाभी जी, रोना नहीं है, हैं? जब तक आपका ये देवर है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, रोने की बिल्कुल लोड़ नहीं है, हैं? मैं हूं नहीं रोना। तो चलते फिरते वृद्धाश्रम।
अबे भाभी को जो है चुप कराने को कहा है, चांस मारने को कतई ना कहा बिल्कुल ही। सॉरी सॉरी मम्मी जी। भैया एक बात तो क्लियर हो गई है कि तू बेहतरीन कुक हो रही है, वेरी गुड। लेकिन अगर थारे पति को घर का बढ़िया खाना भी अच्छा ना लग रहा है तो इसका मतलब उसे बाहर से नाश्ता मिल रहा है कहीं से। जी मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तड़का मार के मेरे पति का ना एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है धनिया काट के। यानी घर में करीना और बाहर कैटरीना। बालकों ईब तुम्हारे दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है। अरे मैडम मैं यू कैन रिजाइन। So tell me how am I looking, lady? Lady बुलाएगा इब तुमन ने, हैं? अभी तक वो छोरी आई कोई ना है औकात में रह ले। और सुन, ना जरा भी ओवर एक्टिंग की है ना अगर तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर जिंदगी से जो है कल्टी कर दूंगी मैं तेने। समझ गया मैडम। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तैने स्कूच प्रियंका चोपड़ा हो रही है तू जो तैने पहले जो है डील करे थारे संग। भाई देखना रही है ना लंदन से मारे डैडी के दोस्त का छोरा आ रखा है, मारे बचपन का दोस्त बूजो त्रिपाठी। चल हट। हाँ भाई बूजो। तो भाई क्या कह रहा है तू? हाँ मैं तुझे क्या बताऊँ यार चैंट, अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है। अरे यार घर में 300 नौकर है, बैंक में 500 लॉकर है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है लेकिन एक दुल्हनी नहीं मिल रही मुझे। और तुझे पता है मेरी बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी डिक्की में नोट्स हैं, नोट्स पैसा ही पैसा भरा पड़ा है लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो दोनों हाथों से उस पैसे को खर्चा करे, उसको उड़ाए। यार डैड कह रहे थे कि तेरी इस शहर में बहुत पहचान है तो तू मेरी शादी करा दे यार, जस्ट फाइंड मी अ लाइफ पार्टनर, आई वांट अ वाइफ। चैंट कुछ कर यार, एक वाइफ दिला दे मुझे कहीं से। अरे डोंट वरी बुज्जो, मैं जो है ना थारे लिए एक बढ़िया सी सुशील टाइप की बढ़िया वाली छोरी दिला दूंगी। डोंट वरी, घनी सारी छोरियां हो रही हैं। ओह यू श्योर? ऑफ कोर्स। हां भाई ओवर टू यू। क्या हो गया है? मेरा हाँ मैडम, मेरा नाम ईशा इश्कबाज है, हग मी किस मी। और मैं छेड़ो गली से निकल रही थी और इस ब्लडी गुंडे ने मुझे छेड़ा। अबे ऐसे कपड़े पहन के पेड़ा बन के घूमेगी तो छेड़ा छाड़ी तो होगी ना। क्यों भाई अंकल क्या कर रहा है? और मैडम जी सबसे पहले इसने मुझे कहा हग मी किस मी, जब ये कहेगी कुछ देर थोड़ी लगाता। ओबे साले ठरकी चल। Hey, Chand! excuse me. Hi, my name is Isha Ishkbaz. Hug me, kiss me. I'm Buzo. Hi. मैंने सुना है आपको एक अच्छी सी वाइफ चाहिए और पता है मुझे भी आप जैसा एक हैंडसम लड़का चाहिए। Hug me, kiss me. पता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके नोटों से भरी हुई डिक्की को अपने दोनों हाथों से लुटाने के लिए, लुटाने के लिए। हग मी किस मी। विल यू मैरी मी? मैरी मी, मैरी मी, मैरी मी। ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तो तलाश थी। सर गिव मी 5 फॉर दैट। टेक 10। यस वी गोना गेट मैरिड। हाँ भाई बूझो, मैं यो कह रही थी। Hey Chand, no need, no need anymore. मुझे वो लड़की मिल गई। Hi. ये है मेरे सपनों की रानी जो उड़ाएगी मेरा पैसा like पानी। She's the one, she's my life partner. भाई इसे क्या बे, बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। भाई ऐसा है, नेक काम में देरी मत करो ना, हमारी एडवाइस लो आज ही कर लो शादी चौकी में। शादी की तैयारियां कराओ
और शादी के टाइम पर ही उस नंदन नकरीले को फोन करके बुलवाओ और कहो कि मैडम ने जो है कुछ पूछताछ के लिए बुलाया चौकी में। क्लियर? वर वधू खड़े हो जाइए फेरे लेने के लिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू छोरी का चाचा हो रहा है, ताऊ हो रहा तू? साइड में बैठ ले, थारे से पूछताछ करनी है, चल। एक मिनट मैडम। हाय। ईशा, ये तुमने क्या किया? तुम इससे शादी नहीं कर सकती। One minute, dude. Who the hell are you? अबे हट! ये मेरी है, इसके साथ मेरा लप्पा झप्पा है। क्यों भाई छोरी? क्या कह रहा है वो, सही कह रहा है? नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं जानती कि ये आदमी कौन है। अरे तुम क्या कह रही हो ईशा, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को कितना सताया और वो मुझे छोड़ के चली गई। ओह शट अप, मैं तुम्हें नहीं जानती। इग्नोर बेटा, ई भी होना जानेगी तेने और ना ही पहचानेगी, क्योंकि इसका होने वाला पति करोड़पति से। देख ले अपनी प्रेमिका का जो है असली चेहरा। ना इसी की खातिर तेने अपनी उस प्यारी सी बीबी को छोड़ा है ना, ना जो थारे से घना प्रेम करती थी। बेटा ये तो वो भी गई और यो भी। ईशा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं, इस इंटेलिजेंस के काम से क्या होगा भैया, फांसी हो जाएगी तेने, इसकी तो बंटा धार हो ही रखा है और बीवी थारी हो जाएगी विधवा। बेटा यो सब जो है ना कांड यानी ड्रामा, यो हमने करवाया है ताकि तेने इस अपनी प्रेमिका का जो है असली चेहरा सामने आए थारे। और तू बेटा, यो जो है ना आदमी, यो कोई करोड़पति ना है, ना इसके खाने के बांदे हो रहे हैं, हमसे उधार ले लेके जलेबी खा के मोटा हो रहा है, फैल रहा है यो। चल हट। यो इस चौकी का हवलदार है, हवलदार गुलगुले। You can call me मुलायम। और यो छेड़ू अंकल, यो है इस चौकी का हवलदार गोपी। हाँ भाई। What? Hug me, kiss me. Darling, जरा सुनो तो। अबे हट। तेरी वजह से मैंने अपनी देवी जैसी बीवी को खो दिया। मैडम, मैडम मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, जो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। काश, काश मेरी बीवी वापस आ जाए। कमलकांता, कमलकांता मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही घर जाओ, खुशी खुशी एक दूसरे के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाओ और खिलाओ एक दूसरे को। और तू साले मनुष, अगर थारे मुंह से दोबारा सुन लिया ना मैंने अबे हट, दुनिया से हटवा दूंगी तेरे में। मैडम मैं आज के बाद कभी भी नहीं कहूंगा अबे हट। चल हट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।